सब्स्टिट्यूशन की एक और फॉर्म हम लोग ले रहे हैं. सब्स्टिट्यूशन वैसे तो सारे परफेक्ट स्कोरिंग वाले कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है. उसके बाद हमारे पास दो और सब्स्टिट्यूशन पे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी फॉर्म हमारी वही रहेगी क्वाड्रेटिक वाली, बट उसके अंदर दो स्पेशल फॉर्म याद रखिएगा जिनके आने के क्लियर कट चांसेस हैं. सबसे पहला है जिसके डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स, इनके साथ कुछ कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है ए साइन स्क्वायर या बी कॉस स्क्वायर एक्स, या खाली कॉन्स्टेंट आ गया, या आप लोग देखेंगे साइन एक्स और कॉस एक्स का प्रोडक्ट. तो कुछ इस तरीके का अगर इंटीग्रेंट देखने को मिलता है तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि ये तो निहायत ही आसान क्वेश्चन होते हैं. आपको ध्यान ये रखना है, नीचे आएगा प्रोडक्ट ऑफ साइन थीटा, या मैं लिख सकता हूं साइन एक्स एंड कॉस एक्स, ठीक है. साइन एक्स और कॉस एक्स का प्रोडक्ट हो, साइन का साइन के साथ हो, कॉस का कॉस के साथ हो, तो आपको एक ही काम करना है, वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स. दूसरी बात, अगर हमारे पास स्क्वायर नहीं है और हमारे दूसरे टाइप का इंटीग्रल जो हमें नजर आएगा इंटीग्रेंट्स के अंदर सिंगल पावर साइन एक्स या कॉस एक्स या कोई कांस्टेंट, अगर सिंगल पावर में है तो हम लोग सिर्फ हाफ एंगल फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, साइन एक्स की जगह लिख देंगे 2 टैन एक्स बाय 2 वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाय 2, और अगर कॉस की टर्म है तो कॉस की जगह लिख देंगे 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स बाय 2 एंड 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाय 2. ये सारे के सारे फॉर्म अगर आप अप्लाई कर देते हो तो हमारे न्यूमरेटर में sec की टर्म आएगी और डिनोमिनेटर में बचेंगे सिर्फ tan, जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं. तो दो क्वेश्चन लेते हैं इसको समझने के लिए. पहला कह रहा है cos स्क्वायर x प्लस साइन 2x. अब देखो सबसे पहले तो भाई दोनों के एंगल अलग अलग हैं, हमारी पहली ड्यूटी है कि हम इसमें जो है सेम तरीके का एंगल बना लें. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स और ये है टू साइन एक्स एंड कॉस एक्स. अब आप देखो नीचे प्रोडक्ट आ गया अच्छे तरीके से. तो जब भी ऐसा हो तो हमें करना क्या है, वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स. तो न्यूमरेटर में अपने पास वन है, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने से ऊपर हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स वन हो गया और यहाँ बच गया अपने पास टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स यानी के टेन एक्स, ठीक है. तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन निकला. इसके साथ अगर कोई कॉन्स्टेंट भी होता तो भी टेंशन नहीं लेनी है, इसी टाइप से डील किया जाता है. डिनोमिनेटर में टैन आ जाएगा ऊपर है तो हम लोग ये जो नीचे, क्योंकि सिंगल टर्म है कई बार यहाँ पे डबल आ जाती है. से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक वन लगा देता, यहाँ पे एक वन रहने देता, तो वन से मैं डिवाइड कराऊंगा तो sec स्क्वायर एक्स आ जाएगा. अब अगर sec स्क्वायर एक्स आ जाएगा तो उसको टैन में बदल लेना, यानी ये क्वेश्चन हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स यहाँ हो गया मेरे पास वन प्लस टू टैन एक्स और ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स. तब आप देखोगे हमारा क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चला गया है. sec स्क्वायर एक्स डी एक्स है, पहली टर्म है टेन स्क्वायर एक्स और 2 टेन एक्स प्लस का 1. अब ये फॉर्म हम लोगों ने पढ़ी है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा ही था कि यहाँ मैं सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकता हूँ. अगर मैं टेन एक्स को टी मान लेता हूँ तो डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी. ये क्वेश्चन मैं आपको मिडिल में छोड़ के दूंगा, आपको कंप्लीट करना है तभी इंटरेस्ट बनता है. ये टर्म बन जाएगी अपने पास डी टी और ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन, ठीक है. यहाँ वन प्लस वन टू आएगा तो यहाँ पे आ गया अपने पास टू. ये क्वेश्चन अब मैं नहीं करूँगा, इसके लिए मैं कह सकता हूँ रेफर माई प्रीवियस वीडियो, पिछली वीडियो देखो
चेक कर लो कैसे करना है, परफेक्ट स्कोरिंग से करना होगा कंप्लीट। तो मैं अभी इसको नहीं बताऊंगा, मैंने आपको तरीका बता दिया है किस तरीके से आप इसको एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे ले जा सकते हो। वही दूसरा क्वेश्चन कहता है, जब भी सिंगल पावर, ये डबल पावर में थे, मल्टीपल में थे, ये सिंगल हैं, इनको एंगल हाफ एंगल फॉर्मूला दे दो, यानी हमारे पास हो जाएगा 2, ये हो गया 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन होता है 2 टैन एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब डिनोमिनेटर की जो टर्म है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर में जाएगा और 1 प्लस टैन स्क्वायर बन जाता है sec स्क्वायर। तो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx आ गया है, नीचे हो गया है 2 टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड 2 टैन एक्स बाई 2। बहुत सारे 2 आ रहे हैं, कॉमन निकाल लेना, बट यहाँ सब्स्टिट्यूशन ले रहा हूँ मैं। तो tan x by 2 को आप लोग t रख लें, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा sec square x by 2, x by 2 का 1 upon 2 बन गया dt, और sec square x by 2 dx बन जाएगा 2dt। तो हमारा ये इंटीग्रल बहुत ही सरल हो चुका है, क्लियर। तो ये ऊपर आ जाएगा कितना 2dt, नीचे 2 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी बच गया। मैं फिर से इस क्वेश्चन को वहीं छोड़ रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है, ये परफेक्ट स्क्वायरिंग में जा चुका है, क्योंकि रूट नहीं है इसलिए इसका माइनस कॉमन लिया जा सकता है, बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1। और इन दोनों को यू हैव टू रेफर माई प्रीवियस वीडियो या खुद ही सॉल्व करो और चेक करो इसका आंसर क्या है। तो ये है हमारे सब्स्टिट्यूशन पार्ट 5, जिसमें सब्स्टिट्यूशन पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द रिजल्ट। सो स्टिल वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटीग्रेशन।